राधे राधे दोस्तों, हम आपके सामने लाए हैं बहुत ही प्रसिद्ध माला जिसे सिद्ध माला के नाम से भी हम जानते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल 16 रुद्राक्ष होते हैं। हम आपको उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पहले मैं आपको सब दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक मुखी रुद्राक्ष है, उसके ऊपर ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, उसके ऊपर इधर से चालू करेंगे तो ये दो मुखी रुद्राक्ष है, ये गणेश रुद्राक्ष है, ये तीन मुखी है, ये चार मुखी रुद्राक्ष है, ये पाँच है, ये छः मुखी रुद्राक्ष है, ये सात मुखी रुद्राक्ष है, ये आठ है, ये नौ मुखी रुद्राक्ष है, ये दस मुखी रुद्राक्ष है, ये ग्यारह मुखी रुद्राक्ष है, ये बारह मुखी है, ये तेरह मुखी है और ये चौदह मुखी रुद्राक्ष है। इस प्रकार से एक से चौदह मुखी इसमें रुद्राक्ष हैं, साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष है और गणेश रुद्राक्ष इसमें है। पहले कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आए थे, उसी के आधार पर हम बताना चाह रहे हैं। रुद्राक्ष में साइज़ का क्या मतलब होता है? जैसे आप देख रहे होंगे रुद्राक्ष है, एक मुखी है, आपने एक मुखी देखे भी होंगे कि थोड़े आकार में बड़ा है, तो आकार से फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा आकार का मतलब होता है कि ज़्यादा उसकी पावर है, इफेक्टिविटी ज़्यादा है उसकी। क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का क्या मतलब, जैसे ये रुद्राक्ष आप देखेंगे या कोई भी रुद्राक्ष आप देखेंगे, इसमें काफ़ी लाइनें आपको क्लियर आपको नज़र आ रही हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है। कुछ ऐसे रुद्राक्ष भी होते हैं जो इसमें तो नहीं लगे हुए, लेकिन उनकी लाइनें ना ढूंढने में थोड़ी समस्या आती है कि लाइनें उनकी कितनी है, क्या है, तो ये इस तरीके से आप रुद्राक्ष की क्वालिटी को हम बता सकते हैं। फिर आती है बात ओरिजिन की, कि रुद्राक्ष आखिर कहाँ का है वो वाला रुद्राक्ष। तो जैसे कि इसमें जो ये वाला रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष, ये इंडिया का रुद्राक्ष है, साउथ इंडिया में होता है, और ये दो मुखी रुद्राक्ष, ये भी इंडिया का है। बाकी सभी रुद्राक्ष जो इसमें हैं, ये सब नेपाली रुद्राक्ष हैं। सबसे पावरफुल रुद्राक्ष नेपाली ही होते हैं। उसके अलावा बात है कलर का क्या मतलब है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रुद्राक्ष का असली कलर ये है कि ये है कि ये है ये है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे दाने हैं, उनमें सब में थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क है, और कुछ और भी कलर रुद्राक्ष आपको नज़र आएंगे। तो रुद्राक्ष नेचुरली है तो उसके कलर भी नेचुरल है। ज़रूरी नहीं कि एक मुखी रुद्राक्ष ऐसे और दस अगर आपको मिलेंगे तो सेम कलर ही होगा, थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि नेचुरल कलर है जो कि वेरी कर सकता है। फिर आती है बात, मतलब बहुत सारे, वैसे हालांकि मैंने इसमें वीडियो में आपको बताया भी था कि पानी में रुद्राक्ष का डूबना रियल और उसका सही और गलत होना बताता है क्या। एक्चुअली हमारे हिसाब से रुद्राक्ष जो पानी में डूबता है वो ठोस रुद्राक्ष होता है, तो हम उस रुद्राक्ष को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इससे हम टेस्ट नहीं कर सकते कि रुद्राक्ष असली है कि नकली है। हमने सही रुद्राक्ष को भी पानी में देखा था कि वो नहीं डूब रहा था, तो ये इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हम ज़्यादा इसमें ना बढ़ते हुए आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हम एक ग्लिम्स हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हम आपको रुद्राक्ष के लाभ बताने वाले हैं अलग अलग मुख के अनुसार, ताकि आपको थोड़ा सा जानना आसान हो जाए कि सिद्ध माला का असली में काम कैसे करता है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि एक मुख रुद्राक्ष है, ये किसके लिए अच्छा है? उनके लिए जो थोड़ा शांति या मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहते हैं, या थोड़ा सा काम है, अकेले अकेले रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ही ज़्यादा बेहतर रुद्राक्ष काम करता है। ओरिजिन इसका तो इंडिया है, और जो इसके रूलिंग गॉड हैं वो कि शिव हैं, और जो इनका रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। ठीक है, फिर हम चलते हैं दो मुखी रुद्राक्ष पे, ये भी इंडिया का ही दो मुखी रुद्राक्ष है। फिर जो ये दो मुखी रुद्राक्ष है, ये इंडिया का ही दो मुखी रुद्राक्ष है। जो इनके रूलिंग गॉड है वो अर्धनारीश्वर है, और ये किसके लिए बेहतर है? ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो अपने रिलेशनशिप्स को बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों को ही, कपल्स को ही, ये और दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अर्धनारीश्वर इनके रूलिंग गॉड हैं, और जो इनके पहनने से जो अक्सर लाभ होते हैं, जैसे कई बार अननेसेसरी जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बहस हो जाती है ना, मतलब रिलेशनशिप में इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं ज़्यादा, उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। जो रूलिंग प्लैनेट है वो इनका मून है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, तो तीन मुखी रुद्राक्ष इसमें जो है, ये तीन मुखी रुद्राक्ष इसमें हम आपको बता चुके हैं, ये अग्निदेव का प्रतीक है, और आप जानते ही हैं अग्नि जो है शुद्धता का काम करती है। तो अगर हमें शुद्धिकरण चाहिए या हमें लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, जिन लोगों को ज़्यादा, उस तरह के लोगों को, क्लैरिटी और प्योरिटी वाले लोग जिसके लिए ये महत्वपूर्ण है, उनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ही बेहतर काम करता है। रूलिंग प्लैनेट इनका मार्स है,
और अग्निदेव इनके रूलिंग गॉड हैं। फिर हम चलते हैं चार मुखी रुद्राक्ष पे। चार मुखी रुद्राक्ष आप देख सकते हैं, चार मुखी रुद्राक्ष हैं इसमें। ये जो है इनके जो गॉड हैं वो ब्रह्मा जी हैं, रूलिंग गॉड, और ये उनके लिए बेहतर है क्योंकि ब्रह्मा जी रचनाकार हैं, तो ये क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। जो लोग क्रिएटिव हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं, या डॉक्टर्स भी हैं, जो सर्जन हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी एनहेंसमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और मरकरी जो है इनका रूलिंग प्लैनेट है। फिर हम पांच मुखी पे चलते हैं। पांच मुखी को हम कालाग्नि का सिंबल भी बोलते हैं, और उनके रूलिंग प्लैनेट जो हैं वो जुपिटर हैं, और ये शरीर में पाए जाने वाले पांच तत्वों का समावेश भी इसमें पाया जाता है। इस तरह की सी बात भी आपको पुराने वेदों में पढ़ने को मिलेंगी। फिर हम छः मुखी पे चलते हैं। छः मुखी जो हैं ये माइंडसेट को एनहेंसमेंट के लिए, कि आपका माइंडसेट जो है और उसके लेवल को और अच्छा करना है, उसके लिए ये बहुत बेहतर है। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत काम का है। रूलिंग प्लैनेट इनका वीनस है, और जो गॉड हैं इनके वो कार्तिकेय जी हैं। फिर हम सात मुखी पे चलते हैं। सात मुखी जो है ये इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, शनि है मतलब, और जो रूलिंग गॉड है वो माँ लक्ष्मी है, और ये फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, माइंड सेटअप को बेहतर करने के लिए और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में, या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत सजेस्टेड होता है, या फिर लोग जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। फिर हम चलते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष में। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है ये अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है, और राहु इनके रूलिंग प्लैनेट हैं, और आपके गणेश जी जो हैं इनके रूलिंग गॉड हैं। ये अष्ट सिद्धियाँ आप जानते ही हैं सिद्धियों के विषय में, तो उन अष्ट सिद्धियों में अगर आपको व्यापकता चाहिए तो अष्टमुखी मतलब आठ मुखी आपका जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए काम कर सकता है। फिर हम चलते हैं नौमुखी रुद्राक्ष पे। नौमुखी रुद्राक्ष माँ दुर्गा इनके रूलिंग गॉड हैं, और नव दुर्गा इनका के सिंबल ही इनको माना जाता है, और इनके जो रूलिंग प्लैनेट है राहु और केतु दोनों ही हैं, तो काफ़ी पावरफुल रुद्राक्ष ये हैं, पर माँ दुर्गा के लिए ये माने जाते हैं। फिर हम चलते हैं दसमुखी रुद्राक्ष पे। दसमुखी रुद्राक्ष जो है आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, या नौमुखी रुद्राक्ष के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं नौ प्लैनेट्स के जो आपके नवग्रह हैं उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए नौमुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट कोई नहीं है, क्योंकि ये नौ प्लैनेट्स को हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नौ प्लैनेट इनका कुछ नहीं है, इनका प्लैनेट को नहीं है इनका, और जो गॉड है इनके वो श्री कृष्ण हैं। फिर हम दसमुखी रुद्राक्ष पे चलते हैं। ये दसमुखी रुद्राक्ष की बात मैंने आपको बताई थी। दसमुखी रुद्राक्ष जो है आपका नवग्रह के निवारण के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम ग्यारह मुखी रुद्राक्ष पे चलते हैं। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष जो हैं आपके, ये आपके हनुमान जी के प्रतीक हैं, और मंगल इनका रूलिंग प्लैनेट है, और ये हेल्प करते हैं आपको डिसीजन लेने में, जजमेंटल पावर को डेवलप करने में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, पर आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बहुत की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। पर्सनैलिटी वाइज मैं सिर्फ इमोशनल बॉडी को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। फिर ये बारह मुखी रुद्राक्ष पे हम चलते हैं। बारह मुखी रुद्राक्ष जो हैं आपके, इनका सूर्य इनका जो है रूलिंग प्लैनेट है, और सूर्य देव ही इनके रूलिंग गॉड भी हैं, और ये पावर ऑफ साइट और पावर ऑफ टाइमली एक्शन, एकदम से तुरंत जल्दी एक्शन ले लेना, जो अक्सर लोगों में समस्या होती है इस तरह की समस्या वाले लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर हम तेरह मुखी रुद्राक्ष पे चलते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। इनके जो रूलिंग गॉड हैं वो आपके इंद्रदेव हैं, शुक्र इनके रूलिंग प्लैनेट हैं, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, या काफ़ी अपने आप में सेल्फ इन्फ्लुएंसिंग, या अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि जज हो गए, या फिर आपके बड़े बड़े वकील हो गए, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई पब्लिक स्पीकर हैं, है ना, बड़े स्तर के कोई पब्लिक स्पीकर हैं, ऐसे लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के बहुत केयर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तेरह मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है। और ये सक्सेस रेशियो को भी बढ़ाता है। जैसे सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन अगर हम 10 बार एफर्ट कर रहे हैं, हमें 4 बार सक्सेस मिल रही है और 6 बार फेलियर मिल रही है, या मतलब सक्सेस रेशियो है, सक्सेस है लेकिन रेशियो कम है, तो इस बात के लिए भी हम तेरह मुखी रुद्राक्ष को यूज़ कर सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं 14 मुखी, जो कि अपने आप में सबसे पावरफुल रुद्राक्षों में से एक है। ये साक्षात हनुमान जी का हम रूप भी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। पहली बात तो इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो शनि और मार्स दोनों ही हैं, और जो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो लॉजिकल डिसीजन में और अब नेगेटिव एनर्जी को रिजॉल्व करने में, जो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर आना चाहते हैं, अपने अंदर की कोई छुपी क्षमता है उसको बाहर नहीं ला पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही काम करता है। ये आपकी इनर पावर को बूस्ट करता है, मंगल दोष को दूर करने में भी ये हेल्पफुल है। जिन लोगों को मंगल दोष होता है वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं, और शनि के जो 7.5 की समस्या लोगों को होती है उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल है। फिर ये लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत सारे लोग नाम से भी समझते हैं कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो तो वीनस है, वो जो गॉड है वो गौरी शंकर खुद अर्धनारीश्वर जैसे हैं। ये बहुत पावरफुल हैं उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली रिलेशंस को एनहेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बूस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत ही पावरफुल होता है। ये तो मैंने कोशिश की है मैं आपको सिद्धमाला के अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में आपको बता सकूँ। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल माला है, और मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये रुद्राक्ष जो है, अगर ये नेपाली रुद्राक्ष की बनी हुई माला है तो ये बहुत ही पावरफुल है। हालांकि हमारे पास ये इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं उनमें भी मिलती है, जैसे मैंने हाथ में पहना हुआ है, ये छोटे दाने हैं, ये इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं, तो इस तरह से भी ये मिलती है। ये जो माला है ये चांदी में बनी है, और इसमें हमारे पास 2-3 क्वालिटीज़ आपको अक्सर मिल जाएंगी। क्वालिटी का मैंने आपको जैसे मतलब बताया है, उसमें जो दाने होंगे रुद्राक्ष के वो थोड़े से और अच्छे बड़े साइज़ के और क्लियर दाने होंगे, है ना, होंगे वो भी सही दाने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो दाने ओरिजिनल होंगे या नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पता ही है जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं हम जानते हैं कि हम सिर्फ सही चीज़ों में ही डील करते हैं। तो आप इंद्रामाला को के बारे में एक थोड़ा आपको मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कुछ यूज़फुल रही होगी। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आने वाली वीडियोस पे आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सभी को प्रणाम। राधे राधे।